एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त, राजस्थान में बीजेपी सत्ता के बेहद करीब। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में कुल 34 सीट कांग्रेस को 25 से 29, बीजेपी को 4 से 9 सीटें, अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कुल 56 सीट कांग्रेस को 26 से 30 सीटें, बीजेपी को 23 से 27 सीट और अन्य को करीब 5 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में कुल 42 सीटें कांग्रेस को 23 से 27 सीट, बीजेपी को 14 से 18 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन का एग्जिट पोल, कुल 25 सीट में से कांग्रेस को 9 से 13, बीजेपी को 12 से 16 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की 45 सीट में कांग्रेस को 16 से 20 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 25 से 29 और अन्य को 1 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन की 28 सीट में से कांग्रेस को 14 से 18, बीजेपी को 10 से 14 और अन्य को 1 सीटें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, एग्जिट पोल में कांग्रेस को 113 से 137, बीजेपी को 88 से 112 और अन्य को 208 सीटें। मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में कांग्रेस को 46 फीसदी, बीजेपी को 38 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट। मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में कांग्रेस को 42 फीसदी वोट, बीजेपी को 39 फीसदी और अन्य को 19 फीसदी वोट। महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस को 43 फीसदी, बीजेपी को 40 फीसदी और अन्य के खाते में 17 फीसदी वोट। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन का एग्जिट पोल, कांग्रेस को 42 फीसदी और बीजेपी को 46 फीसदी वोट, अन्य को 12 फीसदी मत। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में 45 सीट में से कांग्रेस को 43 फीसदी, बीजेपी को 45 फीसदी और अन्य को 12 फीसदी वोट। मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन की 28 सीट में से कांग्रेस को 46 फीसदी वोट, बीजेपी को 41 फीसदी और अन्य को 13 फीसदी वोट। मध्य प्रदेश के कुल 230 सीट में से कांग्रेस को 44 फीसदी, बीजेपी को 41 फीसदी, अन्य को 14 फीसदी वोट। छत्तीसगढ़ के दक्षिण रीजन में कुल 12 विधानसभा, बीजेपी को 3 से 7 सीट, कांग्रेस को 5 से 9 और अन्य को 1 सीट पर जीत। छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन में कुल 14 सीटें, बीजेपी को 5 से 9, कांग्रेस को भी 5 से 9 सीटें, जबकि अन्य को 1 सीट। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन की 64 सीट, बीजेपी को 28 से 32 सीटें, जबकि कांग्रेस को 31 से 35 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ के कुल 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल, कांग्रेस को 41 से 53, बीजेपी को 36 से 48 और अन्य को 4 सीट। छत्तीसगढ़ के दक्षिण रीजन में 12 सीट, बीजेपी को 43 फीसदी वोट, कांग्रेस को 43 और अन्य को 14 फीसदी। छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन की 14 सीटों में से बीजेपी को 44 फीसदी वोट, कांग्रेस को 42 फीसदी और अन्य को 14 फीसदी मत। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन की 64 सीट में से बीजेपी को 10 फीसदी मत, जबकि कांग्रेस को 44 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट मिले। छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में बीजेपी को 41 फीसदी मत, जबकि कांग्रेस को 43 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, राजस्थान के हड़ौती रीजन में कुल 17 सीटें, कांग्रेस को 206 और बीजेपी को 11 से 15 सीटें। राजस्थान के शेखावटी रीजन की 21 सीटें, कांग्रेस को 9 से 13 सीटें, बीजेपी को 7 से 11 और अन्य को 2 सीटें। राजस्थान के मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से कांग्रेस को 11 से 15 सीटें, बीजेपी को 23 से 27 और अन्य को 4 से 6 सीट। राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में 58 सीटें, कांग्रेस को 26 से 30 सीटें, बीजेपी को 25 से 29 और अन्य को 5 सीटें। राजस्थान के मारवाड़ रीजन में कुल 60 सीटें, कांग्रेस को 23 से 27, बीजेपी को 28 से 32 और अन्य को 4 से 6 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, राजस्थान की 199 सीटों में से कांग्रेस को 71 से 91 सीटें, जबकि बीजेपी को 94 से 114 और अन्य को 9 से 19 सीटें। राजस्थान के हड़ौती रीजन का एग्जिट पोल, क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 41 फीसदी वोट, जबकि बीजेपी को 51 फीसदी मत। राजस्थान के शेखावटी रीजन में कुल 21 सीटें, कांग्रेस को 47 फीसदी वोट, बीजेपी को 39 फीसदी और अन्य को 14 फीसदी मत मिले। राजस्थान के मेवाड़ रीजन की 43 सीट, कांग्रेस को 36 फीसदी वोट मिले, बीजेपी को 48 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट।
एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल है ये। राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में कुल 58 सीटें, कांग्रेस को 43%, बीजेपी को 43% और अन्य को 14%। राजस्थान के मारवाड़ रीजन में कुल 7 सीट हैं, 60 सीटों में से कांग्रेस को 41% और बीजेपी को 45%, जबकि अन्य के खाते में 14% वोट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, राजस्थान की 199 सीट पर कांग्रेस को 41% वोट, बीजेपी को 45% और अन्य को 14% वोट। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, तेलंगाना की 119 सीटों में से केसीआर बीआरएस को 38-54, बीआरएस के साथ मिलकर लड़ रही ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को 5-9 सीटें। तेलंगाना की 119 सीट में से कांग्रेस को 49-65 सीट, एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 5-13 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पर 41% लोगों ने जताया विश्वास, बीआरएस को 39, बीजेपी को 16 और अन्य को 4% वोट। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में कांग्रेस को 2-8, एमएनएफ को 15-21 और जेडपीएम को 12-18 सीटें। मिजोरम में एमएनएफ पर 32% लोगों ने जताया विश्वास, जेडपीएम को 29, कांग्रेस को 25 जबकि अन्य को 14% वोट। एग्जिट पोल पर सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर लाऊंगा, मैंने जो कहा वो पूरा होगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट, बहुत से एग्जिट पोल में बनती दिख रही है कांग्रेस की सरकार, कार्यकर्ता मतगणना के दौरान ध्यान रखें। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी की लहर, 2003 को फिर 2023 में दोहराया जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ हवा मुड़ी है, अब बदलाव शुरू हुआ। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं, सरकार हमारी बनेगी। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, 55-60 के आसपास सीट जीतना संभव। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, एग्जिट पोल के अलग आएंगे नतीजे, करीब 52-55 सीटें जीत लेंगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने एबीपी न्यूज से कहा, एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे जो हो, 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, एग्जिट पोल ने दूर कर दिया बीजेपी का भ्रम, सनातन धर्म को कमजोर कर रही है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का दावा, एग्जिट पोल केवल अनुमान है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का बयान, एग्जिट पोल में सिर्फ जीत की झलक, कांग्रेस 80 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी के कविता का बयान, मतदान के बाद हर विधानसभा सीट पर जश्न, एक बार फिर बीआरएस सरकार। ओवैसी ने पोस्ट कर मतदाताओं का किया धन्यवाद, कहा तेलंगाना में 7 सीटों पर भारी मतों से होगी एआईएमआईएम की जीत। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का आरोप, चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस ने बांटे पैसे और शराब, चुनाव आयोग करे मांग। आज बीजेपी की अहम बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के बैठक करेंगे जेपी नड्डा, 5 राज्यों के चुनाव, संगठनात्मक विस्तार पर चर्चा हो। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, कांग्रेस और गठबंधन के पास पीएम के कई उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक। चुनाव से पहले सीएम शिंदे का मुस्लिम कार्ड, बच्चों की पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यक विभाग को 500 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जफिकुल के घर पर छापा, सीबीआई रेड में घर से मिला 28 लाख कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाराष्ट्र दौरे का आज तीसरा दिन, पुणे में मेडिकल कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज केरल दौरा, तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव उसका उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। दुबई पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे, लोगों में भारी उत्साह देखा। पीएम मोदी का दुबई दौरा, आज विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल अभियान, गिरफ्तार होने पर केजरीवाल के इस्तीफे पर लोगों की राय ली जाएगी। $2.23 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, 97 तेजस और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे।
जोशीमठ के लिए पुनर्निर्माण योजना मंजूर, केंद्र ने दी 1658 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी, भूस्खलन जमीन धंसने से ये नुकसान हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में लश्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, आतंकियों के दो मददगार गिरफ्तार। सलमान खान को सोशल मीडिया पर धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गो पर आरोप, स्पेन के आईपी एड्रेस से ये पोस्ट किया गया। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्गों के साथ ठगी, न्यूड कॉल के बाद बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी, 74,000 ले उड़े ठग बनाने का आरोप। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे और T20 के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली को आराम, दोनों खेलेंगे टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीकी दौरे की वनडे टीम में केएल राहुल रहेंगे कप्तान, ऋतुराज, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन भी टीम में शामिल। साउथ अफ्रीका दौरे में T20 टीम के सूर्य कुमार यादव कप्तान, यशस्वी, शुभमन गिल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा भी टीम में शामिल। रायपुर में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला, 5 मैचों की सीरीज में 2-1 पर भारत आगे। जम्मू कश्मीर के सोनमग में जमकर बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर, बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग, बारामूला में जमकर बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर खूबसूरत नजारा देखा। और चेन्नई में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में मुश्किलें, सड़क पर रेंगते दिखे वाहन, बारिश ने बढ़ाई जनता की परेशानी।